ये वीडियो सिर्फ एक मजाक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। और ये वास्तविकता कौन है बे? साली का जबड़ा तोड़ दूंगा एक दिन। भाई ये चूतियंजर्स क्या है? ये चूतियंजर्स वो प्राणी होते हैं जो हमारी जिंदगी झंड बना के रख देते। जैसे कि ये भोपाली का एक दिन अपने लिए वाइफ ढूंढने निकला था, वाईफाई मिल गया, उधर ही बैठ गया। हेलो, अयो प्रैश अन्ना, मैं आपके बाजू का चूड़ा अन्ना बोल रहा जी। क्या काम है? वो आपका वाइफ फिर से बन पड़ गया जी। हे हे, मैंने अपना वाइफ और वाईफाई दोनों को मायके भेज दिया, अब बोल। अयो प्रैश अन्ना, ये अन्ना अन्ना बोलना बंद कर वरना पिछवाड़े में गन्ना घुसेड़ दूंगा। फोन रख, आज मैं तुझे बताऊंगा कि हमारी जिंदगी में कैसे कैसे नमूने भरे पड़े हुए हैं। वेलकम टू झाटवेल प्रेजेंट्स द चूतियंजर्स। हमारी लिस्ट, ये क्या कर रहे हैं? तुम लोगों की नौटंकी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्यों? यूट्यूब पे डालूंगा और पैसे कमाऊंगा। अच्छा, कंटिन्यू करो। हमारी लिस्ट का सबसे पहला चूतियंजर है रिश्तेदार। रिश्तेदार और चेहरे का पिंपल दोनों समान है, जिनके आने की उम्मीद कोई नहीं करता लेकिन आ ही जाते हैं फोदरी के। ये तो सबको पता है कि भगवान हर किसी के पास पर्सनली तो नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने माँ बाप बनाए, राइट? लेकिन ये कोई नहीं जानता कि शैतान भी पर्सनली हर किसी के पास नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने रिश्तेदार बनाए। क्यों भगवान, क्यों? हमारी जिंदगी शांत खुशहाल चल रही होती है जिसमें ये रिश्तेदार नामक प्राणी भूचाल बनकर घुसे चले आते हैं, और आते ही इनका सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाता है। बेटा, लास्ट ईयर का रिजल्ट क्या आया? तेरी बहन का रिजल्ट फाड़ा? क्या करना क्या है तुझे रिजल्ट जानकर? नौकरी देगा? दे नौकरी, कुत्ते नौकरी दे। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग H2SO4 पिला दो, मैटर खत्म। ये तो सबके साथ हुआ होगा। कुछ अजीब लोग होते हैं जिन्हें हम पहली बार मिलते हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, पता नहीं उस गुफ्तगू में उन्हें हमसे क्या लगाव हो जाता है, डायरेक्ट फोन नंबर मांग लेते। हाय, हेलो, हाउ आर यू? गुड, यू? आई एम वेरी गुड। आपका फोन नंबर दो ना। अबे क्यों, नहीं क्यों चाहिए तुझे मेरा नंबर? अभी हम मिले हुए एक मिनट भी नहीं हुआ और डायरेक्ट फोन नंबर मांग रहा है, कल प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगा। अब ऐसी वियर्ड सिचुएशन में हम अपना नंबर उसे दे ही देते, फिर जाते वक्त बोलेगा बाय बाय, सी यू, सी यू, लव यू। काका क्या बोला? लव यू? नहीं, क्या लव यू, किस चीज का लव यू? लव यू उस दोस्त को कहा जाता है जो बरसों हमारे साथ रहता है, साथ घूमता है, साथ पीता है, साथ मुत्ता है। तुझे तो मेरे चड्डी में होल कितने वो भी पता नहीं, और डायरेक्ट लव यू? कल पप्पी लेगा, परसों बोलेगा चल सुहागरात माने थे, नर्सों बच्चों की डिमांड करेगा। देखो, सब लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते, मेरा मतलब है बहुत अच्छे होते, इतने अच्छे होते कि मन करता है इनके पिछवाड़े में जलती सलिया घुसेर दूं। ऐसे लोगों को कभी डिनर करवाने नहीं ले जाना चाहिए। अगर तुम पूछोगे क्या लोगे? अयो कुछ भी चलेगा जी। कुछ भी मतलब क्या? कुछ भी चलेगा जी। अरे कुछ भी क्या, कुछ तो खाता होगा ना तू? अयो कुछ भी अच्छा टेस्टी चलेगा जी। अच्छा अच्छा टेस्टी खाना है? नहीं, मैं तो सूप में गटर का पानी, स्टार्टर में क्रिस्पी बकरे की लेंडी और मेन कोर्स में गोबर हांडी खाऊंगा, है ना? एक काम क्यों नहीं करता, मेरा खून पी ले, खून अच्छा टेस्टी है, खून में तेरे टट्टी, टट्टी में तेरा खून, इधर आना चूस लेगा ना, मिलेगा तुझे सुकून रे चूड़ा। और ये चूतियंजर सिर्फ ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन भी मिलते, जिन्हें बोलते हैं टेक्स्टर्स। ये दो टाइप के होते हैं, पहले वाला शॉर्ट रिप्लाई टेक्स्टर, इनको तुम पूरा पेज भर के कांग्रेचुलेशन टाइप करके भेजोगे ना, इनका रिप्लाई आता है ओके, थोड़ा मूड होगा तो नाइस, जब इनका मूड बहुत अच्छा होता है थैंक्स, वो भी 6 अक्षरों वाला नहीं, 4 अक्षरों वाला, पूरी जिंदगी नाइस ओके थैंक्स लिखने में निकल जाती इनकी। फिर दूसरे टेक्स्टर्स का नाम है इमोजी प्रेमी, इनसे तुम कितनी भी चैटिंग कर लो ये तुम्हें अपना जवाब इमोजी में ही देंगे। इस वाले भोसड़ पप्पू से तो मेरी पर्सनल जाति दुश्मनी है। नहीं क्या है क्या ये? ऐसा वाला इमोजी यूज करने वाले को मैं श्राप देता हूँ, जब भी तुम्हारी आइटम तुम्हें पहली बार मैसेज करेगी तुम्हारा डाटा खत्म हो जाए। oh, no. इमोजी डालेंगे। किस भोपाली ने इन इमोजीज का इन्वेंशन किया बे? ए न्यूटन तेरी माँ का। न्यूटन बाप लगता है कि तेरा? अबे नहीं, मैंने क्या बिगाड़ा क्या है तेरा, हर वीडियो में न्यूटन न्यूटन लगा रखा है। चल न्यूटन दादा चल, दुनिया के सारे इन्वेंशन का बिल मेरे ऊपर क्यों फड़ता रहता है? सॉरी यार, वो ग्रेविटी के टाइम पे हो गई गलती, अब क्या बच्चे की जान लेगा तू? अबे बस कर, गला बैठ जाएगा। मेरे नाम के अवार्ड्स दिए जाते हैं लोगों को, इज्जत करो मेरी इज्जत। ए न्यूटिया जा, चकना लेके आजा भोसड़ी के। इन वाले चूतियंजर्स से तो मेरी पर्सनल नफरत है। अगर कोई आंटी रास्ते पर कचरा फेंक रही है तो ये लोग दूर बैठे उस आंटी को गालियां देंगे कि देखो ये औरत कचरा फैला रही है। और ये भोपाली के सिगरेट फूक रहे होते, इन लोगों को कोई अंकल गालियां दे रहा होता है जो खुद गुटखा खा के थूकता है, और इन अंकल को वही कचरा फेंकने वाली औरत गालियां दे रही होती है जो खुद रास्ते पर कचरा फेंकती है। भाई तुम लोगों को अगर देश में बदलाव लाना ही है तो खुद बदलो, दूसरों की बदलने की उम्मीद मत करो। ये लोग दुनिया के सबसे बड़े चूतियंजर्स होते हैं,
यूट्यूबर्स, ये लोग हमेशा अपनी वीडियो में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मांगते रहते। इनसे तो मुझे प्रॉब्लम है ही, लेकिन मुझे उन चूतियंजर्स से ज्यादा प्रॉब्लम है जो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि किसी शायर ने खूब कहा है। हम आपको एक शेर सुनाते, जरा गौर से सुनिए। हमें नहीं आता, किसी और से सुनिए।